ओंकारेश्वर और खास करके खंडवा जिले के आज संत सिंगा जी महाराज की समाधि स्थल पर आया हूँ। और नर्मदा जी के किनारे का ये बड़ा अद्वितीय स्थान है। परमात्मा की कृपा से, साधु संतों के भरोसे से हमारे यहाँ आध्यात्मिक चेतना का सदैव प्रवाह बना रहता है। मैं अपने नए सरकार के, नए मंत्रिमंडल के, नए सदस्यों के नाम की सूची देने के बाद जनता को समर्पित करते हुए, नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का नया संकल्प लेगा। 28 ही मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जवाबदारी दी गई है। दो उप मुख्यमंत्री वो पहले से हमारे बीच में थे, सबको काम का विभाजन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले 5 साल बहुत डट के काम करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।